खिड़की के बाहर तो ग्रिल है। हाँ, और ग्रिल में स्क्रूज है और ड्रम में स्क्रू ड्राइवर था। इसका मतलब तुमने खिड़की खुली छोड़ दी? हाँ मम्मी, वो प्लीज बंद कर देना वरना मच्छर आ जाएंगे, पापा गुस्सा हो जाएंगे। निखिल तुम भी ना। आप कहीं जा रही हैं? फिलहाल तो फंसी हूँ। जल्दी चलो प्लीज। सही है यार, क्रिकेट ना 20 ओवर का ही होना चाहिए, 3 घंटे में मैच खत्म। यार मेरे हिसाब से 33 प्लेयर्स खेलने चाहिए, 11 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 11 स्पेशलिस्ट बॉलर्स और 11 स्पेशलिस्ट फील्डर्स। मतलब टेलेंटेड सेंचुरी की उम्मीद करते हैं। जैसे बेसबॉल ग्राउंड जो है ना रिवॉल्विंग होना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कल फिल्म में था, यहाँ ग्राउंड घूमेगा वहाँ फील्डर्स, बॉलर्स की बात क्योंकि फील्डर्स घूम रहे हैं, बैट्समैन की बात की कहाँ गैप निकाल के शॉट मार रहे हैं और फील्डर्स की सुपर बैट की भागे की रोके। एक धांसू लेवल का घटिया आइडिया है, सोचो कि फर्स्ट 15 ओवर्स में सर्कल के अंदर 2 फ्लाइंग फील्डर्स उड़ उड़ के बॉल पकड़ेंगे। चलेंगे? तुम ढील अच्छा देती हो, तुम लपेटते भी तो अच्छा हो। सोचो मैं आइडिया होती हो तुम टेक्नोलॉजी, हमारी पतंग क्या मस्त उड़ती ना। चलो भैया। कौन है? और शादी? तुम्हारी शादी है? नहीं। तो फिर आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? ओके। हास्ता ला विस्ता। शुभ दाम पिस्ता। स्वागत छे। तो भाइयों आज मान मुकी ने जलसा कर छु, कारण कि आज सोलंकी परिवार है आमरस कंपटीशन। घर पे बात की? क्या बोला मामी ने? मुझे एक 8 मिली यार। अरे 8 छोड़िए सर, यहाँ तो सुनिए, आमरस खाने का कंपटीशन शुरू होने वाला है, आप भी बैठिए ना। दुल्हन की बहन है कर्क राशि, है ना, एकदम 7 जन्मों वाली आइटम। ये आम वाली तो बिजली का नंगा तार है गुरु। नंगा तार नहीं सर, पूरा ट्रांसफार्मर है। हसी तो फसी, मॉडल है, हीरोइन बनने वाली है,
आपको भी हीरो बनना पड़ेगा सर।